इस एपिसोड की शुरुआत में शियांग ने जिना को कॉल करके बुलाया। उसने जिना को वादा किया कि वो किलर को पकड़ने में पूरी मदद करेगा और वादा लिया भी कि जिना अगले टाइमलाइन में उसके प्यार को बचाए किसी भी हालत में। बेचारे के पास फिलहाल आंसू के अलावा कुछ नहीं। इधर जियो को सोते सोते पता नहीं क्या सोचा, वो इस वक्त जेन के अपार्टमेंट के पास आ उसने किसी तरह डोर की नॉक को तोड़ अंदर सबूत ढूंढने लगे। पीछे जेन चाय की चुस्कियां ले रहा था इसे देख। जेन को बस इतना जानना था जियो को मिनी की किलिंग के बारे में कैसे पता चला। जियो ने कहा, तुमने जिन भी लड़कियों को मारा मुझे सब पता है, तुम मिनी के बाद किसको मारोगे वो भी देखो। जियो कितनी ना समझ है, वो ये बात किलर के सामने कर रही उसके ही घर में। वारे वाह क्या ही लड़की है। जेन ने अपने ग्लव्स पहनकर सीधा उस पे हमला किया, लेकिन ये तो अच्छा हुआ हमारे दोनों हीरो ने आकर उसे बचा लिया। जाते जाते जेन ने शियांग को कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे उसने जेन को बहुत बहुत मारा। उसने मजाक में कहा था, मैंने ही जेन को मारा है, उप्स मैं तो मजाक कर रहा, मतलब आप सिचुएशन समझो। जेन ने किलिंग इतनी साफ तरीके से की कि उसने एक भी सबूत नहीं छोड़े जिससे कानून उसका कुछ नहीं उकर सकता। अगले ही पल हमने देखा शियांग ने कैप्टन को अपना बैच दे सस्पेंशन की अपील की। उसका कहना था एज ऑफिसर उसने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से कैप्टन को ना चाहते हुए भी शियांग को इस केस से निकालना पड़ा। लेकिन कैप्टन पूरी कोशिश करेंगे किलर को पकड़ने की। बाद में जिना को पता चला मिनी ने एक नया बार ज्वाइन करा, पता नहीं कैसे लेकिन वही एग्जैक्ट लोकेशन जियो ने भी उसे भेजी अर्जेंटली, साथ ही जेन भी वही ऑडिशन देने वाला। ओह शिट, कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है। इधर पार्किंग लॉट में जियो ने जेन को जानबूझकर उसके आगे के प्लान के बारे में बताकर बहुत गुस्सा दिलाया ताकि वो सब कुछ सच बता दे। उसने जो कैमरा लगाया उसमें, लेकिन जेन उससे भी ज्यादा स्मार्ट, वो ये प्लान जानता था। उसने जियो के कान में धीरे से कहा, हाँ मैंने ही उन लड़कियों को मारा, और जोर से कहा, मैं उन लड़कियों को कैसे मार सकता हूँ, पता है ना उसके नाटक। अरे बाप रे, बिल्कुल प्रोफेशनल किलर की तरह। जियो ने आखिर काफी बड़ा कदम उठाया, उसने अपने पास का नाइफ निकालकर उसने जेन के हाथ से खुद को ही मारने की कोशिश की। मतलब इससे कैमरा में ऐसा दिखता जैसे जेन ने जियो को मार डाला, इससे पहले ये सच हो। जिना ने उसे रोक लिया। ये सीन देखने में सच में काफी इमोशनल था। जियो किसी भी हालत में उसे जेल में भेजना चाहती थी उनका वक्त खत्म होने से पहले, क्योंकि जेनी का मरा हुआ चेहरा उसके हर वक्त आंखों के सामने आता। जिना ने उसे समझाया, गॉड ने हमें और चांसेस दिए हैं सब कुछ ठीक करने के, तुम ही तो मुझे कहती थी, अब क्या हुआ तुम्हें। घर पर उन्हें कुरियर की मदद से एक USB मिला। जेन ने मिनी को किडनैप कर लिया, इस बार उसने जियो को ओपन चैलेंज दिया, वो उसे पकड़ के दिखाए 24 घंटों के अंदर, नहीं तो 24 घंटों बाद वो मिनी को मार डालेगा। बताओ उसने ये किडनैपिंग इनके नाक के नीचे से इतनी परफेक्टली की कि मैं क्या ही बताऊं। इसमें भी जियो खुद को ही दोष देने लगी, अगर वो पिछले दिन नहीं आती तो उन्हें जेन के खिलाफ सबूत मिल जाते। बाय द वे जेन कोई आम किलर नहीं, वो किसी के भी इमोशंस के साथ खेलने में बहुत माहिर है, जैसे वो अभी जियो के इमोशंस के साथ खेल रहा, क्योंकि उसने वीडियो में कहा, अच्छा हुआ जियो तुम पिछले दिन आई, मैं तुम्हारे वजह से बच गया। अब 4 घंटे गुजर चुके, इन दोनों ने ये खबर कैप्टन को दी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा जेन आखिर क्या चाहता। जिन्हा के थ्योरी के हिसाब से जेन इनको, मतलब जिन्हा और जियो को जेल में भेजना चाहता, बाद में वो मिनी को आराम से मारेगा, इससे ही साइको को खुशी मिलेगी। कैप्टन को जियो से फ्यूचर में ये किन किन लड़कियों को मारेगा और वो कहाँ कहाँ मिली थी उसकी इन्फॉर्मेशन पूछी। उनके हिसाब से जियो की फ्यूचर वाली बात सच हो या ना हो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जेन ने सारी लड़कियों को उनके घर के पास से किडनैप करके मारा। ओके शायद मिनी भी घर के पास ही होगी। इधर ये बेचारा रात दिन रो रो के इस केस को सॉल्व करने लगा था। शियांग बहुत पछता रहा, वो एक ऑफिसर होके भी अपने प्यार को नहीं बचा सका जिसने कई लोगों को बचाया। ऐसे ही हालत जियो की भी थी, लेकिन जिना ने दोनों की हिम्मत टूटने ना दे अगली सुबह उसने सारी केस की डिटेल्स कैप्टन के सामने रखी। देखो पहली लड़की की बॉडी पब्लिक वॉशरूम में मिली, दूसरी गटर में, तीसरी लड़की की कूड़े में, और चौथी लड़की की पार्क के कूड़ेदान में। वो कहना यह चाहता इस बार पांचवी किलिंग में जेन इससे भी गंदी जगह चुनेगा। वो ये गंदी जगह क्यों चूज करता, इसके पीछे साइकोलॉजी है। कैसे, देखो जेन किलिंग खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करता, उसे विक्टिम को अपमानित करने में बहुत मजा आता,
लाइक जीतने पे हमें कैसे खुशी होती वैसे। इसलिए ही वो ऐसी गंदी जगह चूज करता। उन चारों को सेकंड्स नहीं लगे मिनी की लोकेशन पता लगाने, क्योंकि एक वही जगह रह गई थी जहाँ क्राइम हो सकता, और वो 101% सही निकले। जेन को इनकी भनक लगते सारे ऑफिसर्स ने अंदर जाते, कैप्टन ने उसके हाथ पर गोली मारी और फाइनली इतने टाइम एंड स्पेस के बाद किलर को पकड़ ही लिया। ये बात जीना ने सीधा पहले शियांग को बताई। वो इससे खुश तो नहीं था, बट फिर भी, क्योंकि आखिर जान तो चली गई। मिनी को अर्जेंटली जियो से बात करनी थी। उसने कहा, जेन के साथ एक और लड़का था, विक्टिम नहीं मुजरिम। उसकी आवाज बहुत डरावनी है। उसने कहा, मिनी का मिशन अब पूरा हो चुका, अब वो जियो को खुद संभालेगा। वो आगे कुछ बताने से पहले सब कुछ थम सा गया। जियो फिर से टाइम ट्रैवल करके वापस आई, वही पल में जब जेन उस पर हमला करने वाला था। उसने सीधा नाइफ जियो की तरफ फेंका, लेकिन जिना ने उसे पकड़ लिया। आप जो समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं, वो सच में गलत फहमी है। जेन जियो पे हमला नहीं कर रहा, उसने जियो की जान बचाई एक स्नेक से। इस बात पर ऑब्वियसली कोई भी यकीन नहीं करेगा। सबसे बड़ा सवाल, वो यहाँ कैसे आया? उसके भी बोट भवंडर में फंसने के बाद उसकी आंख सीधा यहाँ एक केव में खुली। और यही नहीं, किम जेन को बहुत अच्छी तरीके से जानता, क्योंकि वो दोनों पहले एक ही बैंड में थे। फिर उनके बीच कुछ ऐसी बातें हुई जिससे ये अलग हो गए। किम ने उसके साइड लेते कहा, इसे छोड़ दो, जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। जेन को रुई और चेंग के बारे में पूछने पे ये पागल इनसे भी मजाक करने लगा कि हाँ, मैंने ही उन दोनों को मार डाला और कहीं पड़ी होगी उनकी लाश, और मैं जियो को भी मारने वाला था। इस चक्कर में वहाँ बहुत गर्मा गर्मी हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चेंग एंड यूरी सेफली उन्हें मिली। अरे बाप रे, जून का इतना प्यार। और जियो ने भी आते स्नेक्स वाली बात सबको बताई। चलो कम से कम मार खाने से तो बच गया। इधर ये सब लोग चेंग को ढूंढ रहे, जेन को किलर तक समझ लिया। ये पागल बस घूम रही थी आइलैंड पे, शी नीड सम प्राइवेसी। अरे बताओ इसे, कोई इसका मर्डर करे ना करे, मैं जरूर कर दूंगा। इतने में फैनजिन ने उन्हें एक फूल दिया जो इतने जल्दी से मुरझा गया, लाइक जैसे टाइम बहुत ही जल्दी गुजर गया हो। यही नहीं, यूरी उन्हें एक पेड़ के पास लेकर आई जो बहुत सुंदर था, लेकिन उसके फूल इतने जल्दी खिलकर गिर रहे और साथ ही उतने ही जल्दी खिल रहे थे। अरे रुको रुको, इससे भी अजीब चीज देखो। किम यहाँ से गायब हो सीधा पेड़ के पास पहुंचा, जैसे बीच में कोई पोर्टल हो, और ये सब उसे घोष समझ बैठे। लेकिन हमारे दो जीनियर समझ गए, जीना अंदर जा, बाहर टेलीपोर्टेशन से आया। बाहर के लिए वो अंदर 7 सेकंड के लिए गया, लेकिन उसके लिए वो 2 मिनट गुजार के आया था। इन सिंपल आइलैंड पे टाइम बहुत फास्ट चलता नॉर्मल वर्ल्ड से, शायद इसी वजह से रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने के लिए नहीं आई। ये सुन सब लोग डर गए, ऑब्वियसली डरने वाली बात है, बट इससे बड़ा सवाल आया, वो खाने का क्या करेंगे? इसमें जेन कहता है, मेरे पास बहुत सारा खाना है, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी, उसे जियो को किस करना। किम जीना उसे गुस्से से मारने वाले थे, उससे पहले ही जियो ने जेन के गले पर नाइफ रखा। उसका ऐसा रूप देख जेन की भी फट के हाथ में आ गई, और क्या, मान गया। जीना और जियो को ये नहीं समझ रहा था जेन इतना कैसे बदल गया, जैसे मानो ये उसकी कोई अलग ही पर्सनालिटी हो। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा, या मिनी की मास्टरमाइंड वाली बात सच होगी? इसका राज फिलहाल तो नहीं खुल सकता, आपको आगे आके देखना होगा। इसी बीच किम ने बड़े ही प्यार से जियो को फ्लावर्स देकर पूछा, ऐसा लग रहा जैसे कुछ पल में ही तुम बदल गए, इन फ्लावर्स की तरह, जैसे मानो टाइम ने तुमसे कुछ छीन लिया हो। देखो आज तुमने जरूर कुछ खोया होगा, लेकिन वो तुमसे किसी न किसी टाइम में तुमसे जरूर मिलेगा। इसे जियो को याद आया वो जेनी को दोबारा मिल सकती। किम की ये बातों ने जियो को काफी अच्छा फील कराया। आगे हमने देखा जेन सच बोल रहा था, उसके पास बहुत बहुत सारा खाना है, फिर भी किसी रीजन से रुई खा नहीं रही थी। इसलिए जून ने अपनी मैजिक ट्रिक दिखाते दिखाते रुई को बड़े ही प्यार से कुछ खिलाया। यही बातों बातों में रुई के फैमिली का जिक्र हुआ, उसने अपनी फैमिली फोटो दिखाते, जून के होश उड़ गए। आप बोल तो नहीं गए वो दोनों स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर है, और उसके डैड ने उसके साथ बुरी चीजें की थी? ये जानते उसे काफी जोर से शॉक लगा। चलो फिर से जीना की जासूसी शुरू हुई। हमें पता चला किम जेन का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता, और म्यूजिक ही उनकी दुनिया थी। उन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग लिखा काफी मेहनत करने के बाद। एक दिन किम ने जेन को बिना बताए किसी म्यूजिक कंपनी के साथ डील साइन कर ली, और उसने वो म्यूजिक बेच दिया।
इससे वो फेमस हुआ और जेन वही का वही रह गया। इसलिए ही किम ने जियो से कहा, वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं, तुम्हारे बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जिना को जेन से बस इतना जानना है। ये सब भवंडर के बाद इनकी आंख किनारे पे खुली, लेकिन उसकी ही क्यों आंख केव में खुली। जेन फिर से मजाक पे उतरा, उसने इनका सीरियस चेहरा देख कहा, ओके ओके बाबा, असल में मेरी आंख कहीं और खुली थी, चलो मेरे साथ। रास्ते में किम और उसके दोबारा पुरानी बातों पर झगड़ा शुरू होते, उनकी आवाज से केव ही कोलैब हो गई। एक तरफ जीना किम और एक तरफ जेन जियो। किम भागा बाकी लोगों को यह बात बताने, और जीना इतना जीनियस, उसने अपने दिमाग में पूरे केव का मैप बनाया और काफी देर के बाद जियो के पास पहुंचा। उसने देखा पत्थरों की वजह से जेन बेहोश हो पड़ा था। जियो कहती है, तुम इमेजिन कर सकते हो, दूसरे टाइम एंड स्पेस में इसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मारा और मुझे भी अगले टाइम एंड स्पेस में मारने वाला था। उसने ही मेरी दो बार जान बचाई। जियो को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे फेस करे ऐसी सिचुएशन को। उसमें उसने जेन की मलम पट्टी करी थी। गाइस, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिर जेन इतना खतरनाक किलर बना कैसे। अचानक पीछे से आवाज आई, क्या तुमने जो कहा वो सच है। और इस एपिसोड में इतना ही। सो अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। सो बाय बाय।